श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव। आज की जो कथा हो रही थी ओम शिव महापुराण की कथा, उस कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे पत्र, तीन पत्र आए हुए थे, जिस पत्र की मैं आज चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा। उस पत्र को अगर नहीं सुना होगा तो मैं अपने वीडियो आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ कि किस तरह से जो बेलपत्र और शहद का उपाय करने के बाद कितनी अच्छी नौकरी मिली है किनको किनको, तो उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले। तो पहला जो लेटर एक आया था, एक लेटर था भक्तों की सागर गुप्ता जी का, मतलब सुनीता राजेश गुप्ता का लेटर आया था, ठीक है, इंदौर से। तो उन्होंने बताया था कि आप यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उसका जो पोस्ट ऑफिस वाला लेटर आया था उसकी भी मैं आपको स्नैप दिखा रहा हूँ। तो लेटर में जो उन्होंने लिखा हुआ था कि उनकी जो एक छोटी बेटी है जो कि अमेरिका से MS कर रही, मेरे स्क्रीन पर भी आप लेटर देख रहे होंगे, MS कर रही थी, बट उसका इंटरव्यू बहुत जगह दे चुकी थी, उसको सफलता नहीं मिली, ठीक है ना। लेकिन बाद में जब उन्होंने शिव महापुराण, उसकी माँ ने बताया कि शिव महापुराण के उपाय को करने के लिए, बेलपत्र का पूजा अर्चना करने के लिए, तो उसके बाद में उन्होंने एक बड़ी से कंपनी में इंटरव्यू दिया। उसके बाद जब बड़ी से कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद उसमें 190 बच्चों ने, मतलब क्या बोलते, इंटरव्यू में आए थे देने के लिए इंटरव्यू, उसमें से सबसे ज़्यादा पैकेज का जो जॉब लगा उसको इनकी बेटी को लगा, छोटी बेटी को, ठीक है। तो ये बेलपत्री और शहद का उपाय इन्होंने किया था, ठीक है। दूसरा, अगर इसकी दूसरी बड़ी बेटी थी जो कि भी जो अच्छे अमेरिका में एक जॉब कर रही है, बट उनको भी जॉब चेंज करना था, उनके लिए उसके माँ ने पशुपतिनाथ व्रत का व्रत किया। उसके बाद आप सोच नहीं सकते हैं कि उनको जो है फेसबुक कंपनी में उसका जॉब लगा, उनका नाम शिवानी है और उन्होंने फेसबुक में जो इंटरव्यू था उसको क्रैक कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे भी कि मैंने किस तरह से उसको क्लियरली आपको दिखाया जो लेटर में मतलब लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देख, फेसबुक में उसका कठिन इंटरव्यू भी सफल हो गया है। तो ये कथा उन्होंने हैदराबाद में सुनी थी, जिससे कि उनको जो उपाय किया है उन्होंने, ठीक है। दूसरा एक लेटर आया था निशा गोयल जी का, ठीक है, यमुनानगर से। तो इन्होंने भी एक उपाय उसी तरह से बताया कि उन्होंने किया था, यहाँ पे आप देखिए मेरे स्क्रीन पे, कि वही सेम बेलपत्री वाला उपाय किया, ठीक है। उसके बाद इसके पति की भी मतलब जॉब नहीं लग रही थी, 19 महीनों से नहीं लग चल रहा था, ठीक है। जब जैसे ही इन्होंने अपना कार्य शुरू किया बेलपत्री वाला, तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाक विभाग में उनकी सरकारी नौकरी लग गई, ठीक है। और इनकी माता को जो है मतलब परेशानी थी थोड़ी सी गांठ की, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, गठन की बहुत दिनों से परेशानी थी, रिपोर्ट में मतलब अल्ट्रासाउंड भी करवाया फिर भी रिपोर्ट में पता चल रहा था, बट तीसरे दिन जब वो अल्ट्रासाउंड करने के लिए जाते उससे पहले उसकी बेटी ने बोला था कि मतलब ये शिवलिंग से जो जल और बेलपत्री वाला उपाय करने के लिए, उसके बाद जब डॉक्टर्स को दिखाने गए तो उसका रिपोर्ट भी निगेटिव आ गया, ठीक है। ये महादेव की कृपा है भक्तों, ठीक है ना। विश्वास, जिस हिसाब से उन्होंने विश्वास किया उस हिसाब से उन्हें अपना फल मिल रहा है। अगर आप लोग भी विश्वास के हिसाब से कोई उपाय करते हैं तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में फल मिलता है, ठीक है। अगर कोई उपाय को आपको लग रहा है कि नहीं मुझे करके बताना चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस उपाय के बारे में आपको डिटेल में बताने के लिए कि वो उपाय आपको कैसे करना है। वीडियो उपयोगी लगी है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।